प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की अंतर। आज हम इसमें न्यूमेरिकल्स आंकिंग प्रश्न की बात करेंगे। यह है एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर कोई बिंब। देखो भाई, बिंब का मतलब होता है वस्तु, यानी वस्तु को बिंब कहते हैं विज्ञान में। कोई बिंब रखी गई है, यदि इस बिंब का प्रतिबिंब, यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी तथा फोकस दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी हमें दर्पण दे रखा है अवतल, हमें बिंब की जो दूरी है वो दे रखी है 20 सेमी, हमें प्रतिबिंब 40 सेमी पर बनता है ये भी दे रखा है, यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी जो है वो दे रखी है, हमें दर्पण की फोकस दूरी व उसका आवर्धन ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करेंगे, देखो हम सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिखेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दिया है 20 सेमी। प्रिय विद्यार्थियों, जो बिंब की दूरी होती है उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यू से दर्शाते हैं। बिंब की दूरी यू इज इक्वल 20 सेमी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v, ध्यान रखना प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से दर्शाते हैं। इसका मान दे रखा है 40 सेमी और हमें फोकस दूरी या आवर्धन का मान ज्ञात करना है। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है और हमें आवर्धन भी ज्ञात करना है। देखो हम यहाँ दर्पण सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे और दर्पण सूत्र का हम प्रयोग करते हुए फोकस दूरी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से जो क्या होता है, ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा होता है दर्पण सूत्र, दर्पण फॉर्मूला। अब हमें जो मान दे रखा है, ध्यान रखना भाई, जो हमें जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको यहां रख देंगे सूत्र में, और जो हमें ज्ञात करनी है उसका हम चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। यानी हमने इसे पहले के टॉपिक में हमने एक टॉपिक पढ़ा था चिन्ह परिपाटी, देखिए कैसे। तो यहाँ हम मान रखेंगे हमें f का मान तो ज्ञात करना ही है, तो 1/f रहेगा, v का जो मान है 40 वो 1/ रखेंगे 40, और यहाँ माइनस यूज लेंगे इसका, और प्लस 1/-20। अब आप कहोगे साहब ने माइनस क्यों लगाया, देखो जो हमारे चिन्ह परिपाटी है हमने उसमें पढ़ा था कि चिन्ह परिपाटी में जो दर्पण अवतल होता है उस दर्पण अवतल में चाहे एफ हो, चाहे यू हो, चाहे बी हो, सब क्या होते हैं माइनस में होते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो चीज आप ज्ञात कर रहे हैं, जो राशि आप ज्ञात कर रहे हैं उसका चिन्ह कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप एफ की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तो एफ का चिन्ह आपको चेंज नहीं करना है। यदि आप v की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, यदि आप u की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, जो भी आप राशि ज्ञात कर रहे हैं उसका चिन्ह आपको चेंज नहीं करना है। बाकी जो बच गए हैं, जो हमें मान दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू हमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगानी है। प्रिय विद्यार्थियों, चिन्ह परिपाटी से जो दर्पण है अवतल उसमें जो सब मान है वो क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो उसमें एफ भी माइनस में होता है, यू भी और वी भी।
तो f हमें ज्ञात करना है, तो ये वैल्यू लेंगे प्लस की और ये दो लेंगे माइनस की। तो यहाँ एक बटा f इज इक्वल माइनस 40 और एक बटा 30। 40 का लेंगे लघुतम लेस है, तो एक बटा f बराबर इसका लेस है लेंगे 40, इसका एलसीएम जो है एलसीएम 40 आ गया, लघुतम दिया जाएगा माइनस वन और माइनस, देखो 20 का भाग देंगे 40 से दो बार जाएगा, 20 दो 40 दो एक कम दो दो, यानी एक बटा f बराबर, देखो ये माइनस एक और माइनस दो क्या हो जाएंगे माइनस के तीन, तो माइनस तीन बटे 40 हमें f का मान चाहिए, यहाँ से मान क्या जाएगा माइनस 40 बटे 3, यानी ये वैल्यू पलट जाएगी, फिर हमें f की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसलिए अब इसमें इसका डिवाइड कर दो, भाग लगा दो, भाग देख दिया जाएगा f है बराबर माइनस 13.33 सेमी, f इसका मान आ जाएगा, तो ये हमारी है f की वैल्यू। ठीक है, तो हमने फोकस दूरी का मान ज्ञात कर लिया अवतल दर्पण के लिए, जो हमें दो वैल्यू दे रखी थी, हमें f का मान ज्ञात करना था, इस तरह से हमने f का मान ज्ञात किया। ध्यान रखो इसमें जो मान आपको दे रखे हैं उनके आपको चिन्ह परिपथ लगानी है और जो राशि आपको ज्ञात करनी है उसका चिन्ह आपको चेंज नहीं करना है, सूत्र लगाएंगे इसमें मान रख देंगे तो आपका मान जो भी प्राप्त करेंगे उसका मान आपका प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इसमें एक राशि और ज्ञात करनी है आवर्धन, ये हमने फोकस दूरी का मान ज्ञात किया है, अब हम ज्ञात करेंगे आवर्धन, इसको बोलते रैखिक आवर्धन, तो जो रैखिक आवर्धन है हम उसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, रैखिक जो आवर्धन होता है, रैखिक आवर्धन वो m बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू, ये इसका होता है फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू बराबर, देखो माइनस वी का मान, देखो वी का मान क्या है 40, क्या लेंगे माइनस में लेंगे 40, यू का मान क्या लेंगे माइनस में 20, किससे चिन्ह परिपाटी से लेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हम जानते हैं अगर दर्पण अवतल है तो उसमें वी यू के मान क्या होंगे माइनस में। अब देखो आगे, अब दोनों माइनस का माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बाहर क्या रहेगा माइनस, ये कट जाएगा दो बार, ये आ जाएगा माइनस का दो, तो यहाँ से एम का मान क्या आ जाएगा माइनस का दो, तो ये इसका आ गया रैखिक आवर्धन। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो इसमें एम का मान माइनस में आ रहा है तो उसकी प्रकृति कैसे होगी वास्तविक उल्टा, यानी यहाँ जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसे वास्तविक और उल्टा है, तो ये है आपका आंकिक प्रश्न, आपने यहाँ फोकस दूरी का मान ज्ञात किया है और आपने यहाँ एम का आवर्धन का मान ज्ञात किया है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।